बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे लाल के एमपी जनाब इम्तियाज जलील साहब और डॉक्टर साहब की हिदायत के बाद जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मजलिस में और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को बाज़ाब्ता जोड़ूँ। बिला शुबा आज हमारे घर का बच्चा हो, हमारे घर की खातून हो, हमारे अपने वालिदैन हो, बुज़ुर्ग हो, हर कोई मजलिस से जुड़ा है। इसकी एक मिसाल आपने अभी देखा पिछले दिनों के, जब हमारे एमपी ने एक बंद कॉल की थी, एक जुलूस के लिए बुलाया था तो एडमिनिस्ट्रेशन हल गया था। जब इंटेलिजेंस को ये पता चला कि तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग आने वाले हैं जुलूस के अंदर, तो वो जो है तो लॉकडाउन को वापस लेने का फैसला लेना पड़ा। मेरे नौजवान दोस्तों, आज हम यहाँ पर पद तकसीम कर रहे हैं, आज हम वार्ड के प्रेसिडेंट की हैसियत से कुछ लोगों को लेटर्स दे रहे हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग नाराज़ हुए होंगे, कुछ लोग खुश हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे अपने बड़े भाई अभी मुझे यहाँ इज्जत देते हुए सीनियर होने के बावजूद भी मेरे बाजू बैठते हैं, यही आदत हमें और अपने आपको भी अपनाना चाहिए। कल अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहती है कि शारिक साहब अब आपका वक्त हो गया है, अब आपको जो है तो एक वार्ड अध्यक्ष की हैसियत से काम करना है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं तो शहर सदर था, मैं वार्ड अध्यक्ष कैसे बन जाऊँ। अगर आपको काम करना है, अगर आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है तो आपको पद को अहमियत देना नहीं पड़ेगी। पद दरअसल में दिया जाता है एक सिस्टम के लिए, एक मनसूबाबंद तरीके से काम करने के लिए। वरना एक फैमिली में तमाम की अपनी रिश्तेदारी ज़रूर होती है, लेकिन फैमिली का जो हेड होता है ना वो सबको लेके चलता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि फैमिली के दूसरे मेंबर उसे रूठ जाते हैं। तो यही हाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। आज पद दिया जा रहा है, पद इसलिए दिया जा रहा है कि आपके वार्ड में कुछ सिस्टमेटिक काम हो, काम अगर नहीं होंगे तो शहर की बॉडी आपके पास मौजूद है, आप वहाँ आकर बात कर सकते हैं। हम पद देने का मकसद ये नहीं है कि वार्ड प्रेसिडेंट अगर कोई बन जाए तो वो लेटर ले उसको फ्रेम करे और आराम से अपने घर में बैठ जाए, बल्कि उस वार्ड प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि जो लोग मजलिस से नाराज़ हो गए पहले उनके घरों पर जाएगा, पहले उस दुकान वाले के पास जाएगा वार्ड में, पहले उस शख्स के पास जाएगा कि भाई आपकी क्या नाराज़गी है। देखिए आपके अखलाक से, आपकी ज़ुबान से लोगों को आपको मजलिस से और करीब लाना है। हमें मजलिस को इतना मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है इंशाल्लाह कि जब महानगर पालिका के इलेक्शन आएंगे तो दीगर पार्टियों को उनके नुमाइंदे तक ना मिले, इस कदर मजबूत करना है मजलिस। और हमारा मिशन यही है, इसीलिए जो पद यहाँ पर दिए जा रहे हैं तो पद लेने वाले बहुत ज़्यादा खुशफहमी के में मुब्तला ना हो, और जिनको पद ना मिले वो बहुत ज़्यादा बदमजगी या बदजन ना हो, बल्कि वो उस पद मिलने वाले शख्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इसलिए कि आप ये कागज़ के टुकड़े को सब कुछ मत समझिए, आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमपी इम्तियाज जलील साहब के ख्वाब को पूरा करना है। इस मुल्क में, इस शहर में, इस रियासत में, इस राज्य में हमको वो तमाम काम करना है जो एक मुल्क को और एक शहर को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। आपने अभी देखा कि कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन के खिलाफ आवाज़ उठी थी तो कौन कहता था कि वो सिर्फ एमपी इम्तियाज जलील साहब को वोट देने वाले ही उससे फ़ायदा उठाने वाले थे, बल्कि लॉकडाउन का जो फैसला था एक आम नागरिक पर भी उतना ही असर डालता था जितना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देने वाले को पड़ता था। लेकिन हमारे कायदीन ने हमेशा जनता की बात की, हमारे कायदीन ने कभी भी किसी एक समुदाय की, एक समाज की बात नहीं की। हमें इसी मिशन को आगे बढ़ाना है, और देखिए बहुत बहुत जल्द आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ आने वाली है। जैसे मैंने अपने पिछले मीटिंग में कहा था जब मैं पूर्व के पद बांट रहा था कि संगठन को मजबूत करने के लिए उस वार्ड अध्यक्ष को हमें बहुत ज़्यादा आज़ादी देना है, उसको बहुत ज़्यादा इख्तियारात फराहम करना है। आने वाले दिनों में कुछ नई मनसूबाबंदी के साथ हम वार्ड में इंशाल्लाह काम करेंगे। बहुत आने वाले वक्तों में हो सकता है कि दूसरी जमातों के, दूसरी पार्टियों के लोग हमारे वार्ड अध्यक्ष को खरीदने की कोशिश करेंगे, हमारे मेम्बरान्स को खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुदा के लिए अपने दिल पर हाथ रख के इस पद को कबूल कीजिए। अगर आप मजलिस के साथ नहीं खड़े रह सकते हैं मुस्तकबिल करीम में तो इस्तीफ़ा दे देना, लेकिन खुदा के लिए अपने अपने ज़मीर को मत बेचना, गद्दारी मत करना पक्का, इसलिए कि बड़े एतमाद के साथ हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, और यही एतमाद को आप कायम रखिए, यही मैं दरख्वास्त लेकर आपके दरमियान खड़ा हूँ। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हो सकता है कि अभी आप काम करेंगे तो आने वाले सालों में आपको सिटी लेवल पर जिम्मेदारी दी जाएगी, सिटी लेवल के बाद फिर आपको दूसरी बड़ी सतह पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो कोई भी काम ग्राउंड से शुरू होता है, कोई भी काम नीचे से शुरू होता है,
अगर हो सकता है कि कुछ लोगों के जहनों में ये होगा कि शाहिद साहब आप कैसे क्या शायर सदर बन गए, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने हमेशा कलम के जरिए अपनी मजलिस की खिदमत किया। मैं कभी भी मंजर आम पर नहीं आया हूँ, मैंने हमेशा कलम के जरिए मजलिस की और अपने कायदीन की टूटी-फूटी कोशिशों के जरिए मदद करने की कोशिश की। तो इसी तरीके से आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने वार्ड में अपने मुखालिफिन को अपना बनाना, ये आपका सबसे पहला मिशन है कि आप अपने मुखालिफिन को कैसा अपना बनाते हैं। कोई किसी अपने वार्ड में अगर किसी के घर में कुछ दुखद घटना हो जाती है तो उसके घर पर पहुँचिए, MP इम्तियाज जलील साहब का मैसेज पहुँचाइए कि MP इम्तियाज जलील साहब ने आपको ये मैसेज दिया है कि वो आपके गम में बराबर के शरीक है। अगर वो आपके वार्ड की किसी दावत में नहीं जा सकते हैं तो आप वार्ड अध्यक्ष की हैसियत से, वार्ड के कार्यकर्ता होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी खुशी की महफिल में उसकी दावत में जाइए, MP साहब का मैसेज उस तक पहुँचाइए। इसलिए कि आज औरंगाबाद के हर शख्स चाहता है कि MP हमारे घर पर आए, हमारी दावत में आए, हमारे गम में, हमारे दुख सुख में आए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हमारा MP हर शख्स हर घर में पहुँच सके। इसलिए एक अकेला एक अनार है और तकरीबन 5 लाख बीमार है, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये काम हमको छोटे छोटे सिपाही होने की हैसियत से, मजलिस के छोटे छोटे सिपाही होने की हैसियत से करना है। और खुदा के लिए पद को सब कुछ मत समझिए, पद सब कुछ नहीं है, सियासी ताकत सब कुछ है जो हमें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हासिल करना है महानगर पालिका के इंतखाबात में। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, जब हम इंतखाबात में इंशाल्लाह उतरेंगे तो पूरी ताकत के साथ उतरेंगे, हर समुदाय को उसके अंदर जो है तो मौका देंगे इंशाल्लाह। अभी आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे अब आने वाले इंतखाबात में नंबर्स को बढ़ाएं। और देखिए संगठन जो होता है ना, आपने बहुत सारी तंजीमों को देखा होगा, यहाँ पर हमारे यूट्यूबर बहुत अच्छे दोस्त बैठे हैं, कुछ कुछ जुमले पकड़ लेते हैं तो एडिट कर लेना, ये हमारी क्योंकि इंटरनल घर की मीटिंग है हम कुछ भी बात कर सकते हैं घर में। तो जो संगठन जो होता है, तो मेरे दोस्तों संगठन से ही जो है तो हम अपने मकासद तो हासिल कर सकते हैं। तकरीबन भाई रियाज भाई, संगठन जो होता है ना, ये संगठन के छोटे छोटे कार्यकर्ता ही संगठन को मजबूत करते हैं। तो ये छोटे कार्यकर्ता भले ही छोटे होते हैं लेकिन असल ताकत यही होती है। जब इलेक्शन के दिन होता है ना तो शहर अध्यक्ष लोगों को घरों से, वार्ड से नहीं निकालता है, घरों से नहीं निकालता है, कैंडिडेट नहीं निकालता है, MP इम्तियाज जलील साहब नहीं निकालते हैं। असल ताकत तो आप लोगों की होती है, आप लोग गली गली जाते हैं, घर घर जाते हैं, खवातीन को निकालते हैं, बुजुर्गों को निकालते हैं, ऑटो में बिठाते हैं और उन्हें वोट के लिए लेके जाते हैं। तो असल ताकत आप है संगठन की, असल ताकत पद अधिकारी नहीं होता है, असल ताकत कार्यकर्ता होता है। मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि हिम्मत के साथ, जस्तजू के साथ, अब किसी को मत देखिए, शख्सियत परस्ती में शायद नक्शबंदी को मत देखिए, नासिर सिद्दीकी साहब को मत देखिए, हमारे उन कायदीन को देखिए जो बड़ी तड़प के साथ जो है तो हमारे लिए लगे हैं। आपको मालूम है तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के मालिक है हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्या जरूरत पड़ी है कि सड़कों पर भटकते फिर रहे, क्या जरूरत है कि गलियों में फिर रहे हैं, क्या अरसूल की गलियों में घूम के उन्होंने जो है तो पठान साहब की गलियों में घूम के लोगों को क्यों वोट की अपील की? आज औरंगाबाद की गली गली कुचा कुचा तमिलनाडु गुजरात बंगाल क्यों गए? इसलिए गए कि इस मुल्क का जो एक दबा कुचला जो समाज है, जो तबका है, उसको जो है तो ये उठाना चाहते हैं, इसको आपके हक मांगने का आदत आदि बनाना चाहते हैं। तो हमको उस शख्स को देखना है, उसकी तड़प को देखना है, उसके मिशन को देखना है, वरना पद आएंगे। आज पद है, हो सकता है 11 महीने के बाद पद खत्म हो जाएगा, मेरा भी पद खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे ज़मीर पर हाथ रख के मैंने ये फैसला किया है कि नहीं, मैं उसी पक्ष के साथ रहूँगा, मैं जिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ, जिसके पास एक मिशन है, के लिए मिशन है, और इस समाज के और मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, मुल्क के पिछड़े समाज को दोबारा अपने पैरों पर खड़े करने के